चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सुविधा भी अच्छी है, बाकी जैसे लड़ाई झगड़ा होते हैं वो माहौल भी यहाँ पे शांत है, प्यार मोहब्बत का माहौल रहता है यहाँ पे। किसी तरीके से एक प्रत्याशी को हराना है मिलके, और जो है दूसरा सामने जो है फाइट में सबको पता है भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल है। वो चेहरा आप कौन सा देख रहे हैं चेयरमैनी पद के लिए इस बार? यहाँ तो राजुद्दीन का चेहरा ठीक चल रहा है। टक्कर फूल गई और जो है इसकी नलके टक्कर ही नहीं गिरेगी, इन्हीं में ही दोनों में इन्हीं में ही हार जीत है, दोनों ही कोई से भी हो सकता। सीसे में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और जिला बागपत में दूसरे फेज में यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं नगर निकाय को लेकर। बागपत में मैं आपको बता दूँ कि भाजपा से राजकुमार चौहान जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन से रियाजुद्दीन गठबंधन और सपा से रियाजुद्दीन भी यहाँ मैदान में है और भी कई सारे उम्मीदवार हैं। बसपा से नईम अली जी है और आम आदमी से शराफत अली जी भी यहाँ चुनाव के मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि 11 मई को यहाँ चुनाव वोटिंग पड़ना है बागपत में। हम यहाँ शौकत बाज़ार में हैं, शौकत बाज़ार ये हवेली बाज़ार भी यहाँ कहते हैं लोग इसको, तो हम बाज़ार में लोगों से बातचीत करेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय बन रही है, चेयरमैन पद के लिए लोग क्या देख रहे हैं। क्या नाम भाई जी आपका? आपके यहाँ नगर निकाय चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, कैसे क्या माहौल है चुनाव का बागपत? भाई चुनाव का माहौल तो देखो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अभी देखो 11 तारीख में होएगा, 13 में रिजल्ट आएगा और जो हमारा जो है भाई हम तो राजुद्दीन को देंगे गठबंधन से जो है। हाँ गठबंधन से भाई। और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, भाजपा से भी है बसपा से भी। हाँ भाई देखो और भी है, लेकिन जो अपना है हम इसको देंगे राजुद्दीन एडवोकेट को। शहर की सुविधाएं कैसी है, 5 सालों में किस तरह की सुविधाएं रही? नहीं शहर की सुविधा अच्छी है भाई, लेकिन यहाँ पे जैसे सुविधा भी अच्छी है, बाकी जैसे लड़ाई झगड़ा होते हैं वो माहौल भी यहाँ पे शांत है, प्यार मोहब्बत का माहौल रहता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मार्केट में आके कोई बाहर गया फिर वैसे भी यहाँ कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं है, सब प्यार से रहते हैं मार्केट में। अच्छा एक चीज़ और बताइए, शहर के कई सारे मसले होते हैं, सफाई का एक मामला होता है या पानी की निकासी का एक मामला होता है, अभी बरसात भी थी तो उस तरह की व्यवस्थाएं है बागपत जिले में अभी? हाँ भाई पानी की भी सुविधा है और जैसे बिजली वगैरह और वैसे भी सारी सुविधाएँ हैं, सुविधा में कोई नहीं है। बिजली भी अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी आती है, और पानी विभाग भी सब बढ़िया है भाई, सुविधा जो है मतलब कुल मिला के सब अच्छी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई क्या लग रहा है चुनाव है आपके यहाँ का शहर में? लोकदल पार्टी जी। लोकदल गठबंधन का असर रहेगा? जी जी। अच्छा और भी बहुत सारे लोग हैं जी, सारा काम अच्छा करते हैं, साफ सफाई सुथराई बिजली लाइट पानी सब चीज़ बहुत बढ़िया है उनके उसमें। ये चेयरमैन जो है हमारे यहाँ के लोकदल से हैं, सब चीज़ अच्छा काम करते हैं, टाइम से पहले कोई दिक्कत नहीं है, माहौल भी बहुत अच्छा चलता है यहाँ। सुविधाएं कैसी है इसमें? सुविधा प्यार मोहब्बत है सब में यहाँ, कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा सब चीज़ बहुत ओके है। क्या नाम है आपका जी? सलीम। सलीम भाई क्या लग रहा है इस बार, किस चेहरे को देख रहे हैं आप चेयरमैनी पद के लिए बागपत जिले में? तो राजू आरती को देख रहा भाई साहब। अच्छा रियाजुद्दीन जो है? राजकुमार जो राजकुमार चौहान जी जो भाजपा से जो है। तो कस्बे की सुविधाएं कैसी है आपके यहाँ नगर पालिका में? अभी फिलहाल तो कुछ लगते रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह का माहौल है अभी चुनाव को लेकर, सर्द गर्मी बढ़ रही है? चुनाव तो सही है, देखो जी क्या कौन जीतता है, बारे तो राजू चेयरमैन को दे रहे हैं सबको, हर मुसलमान ये सोच रहा है कि बस राजू चेयरमैन को वोट देने। बागपत एक तरह से एक बड़ा जिला है एक तरह से बागपत, और बागपत में आप ऐसी कौन सी सुविधाएं चाहते हैं जो आने वाले चेयरमैन कोई भी हो आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए किस तरह के काम होने चाहिए जिले में? जिले में काम बढ़ना चाहिए, भुखमरी हो रही है बिल्कुल, काम नहीं हो रहा, देहात नहीं लग रहा यहाँ बिल्कुल भी, पब्लिक नहीं आ रही यहाँ, काम नहीं हो रहा बाज़ार में, सब परेशान है मार्केट में, पूरी सुविधा नहीं है, ना फैक्ट्री ना कुछ भी नहीं है। नहीं ये तो ऊपर कोई मजदूर आदमी है वो क्या काम करेगा, फैक्ट्री है नहीं बेचारे को, बाहर जाना पड़े। चलिए तो ऊपर के काम है, मैं कह रहा हूँ कि जो नगर पालिका के काम होते हैं जैसे पानी के पीने की व्यवस्था हो चौक पे या पार्क हो
या कोई स्टेडियम हो इस तरह की, ना स्टेडियम है ना पार्क है, कुछ भी नहीं है, खेलने कूदने की जगह भी कुछ भी नहीं है बच्चों की। तो जैसे लोग फिर दौड़ने कहाँ जाते हैं, जो भर्तियों की तैयारी करते हैं या पुलिस की तैयारी? हेड़ा वाले रोड पे मारते हैं बेचारे, दौड़ क्या करें। अच्छा, जो किसी का बाथरूम आ जाए तो वो कहाँ करने जाएगा? अच्छा, कोई इस तरह का शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा बताओ, ये तो नगर पालिका का काम है, बताओ यहाँ पे मार्केट में कोई लेडीज आ जाए, कोई जेंट्स, कोई बाहर से आने लगा, किसी लेडीज का बाथरूम आने लगा, कहाँ जाएगी करें। लेकिन कई शहरों में तो इस तरह के सार्वजनिक शौचालय बने हैं, आपके बाजार में नहीं? हमारे मार्केट में कहीं नहीं। तो आप लोग कैसे? बागपत मार्केट में कहीं नहीं, एक है भी अड्डे पे, वहाँ पे इतनी गंदगी है कि कोई जाना भी पसंद नहीं करता वहाँ पे। मतलब कोई नगर पालिका ये नहीं कि कोई एक आधा आदमी वहाँ लगा दे सफाई के लिए, ऐसा कुछ नहीं। कूड़े का क्या होता है, जो कूड़ा आता है वो कहाँ डलता है? भाई क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, चुनाव है आपके यहाँ, नगर पालिका चुनाव है, ऐसा आप कौन से ऐसे चेहरे को देख रहे हैं चेयरमैनी के लिए जो जनता इस बार चुनेगी? देखो तो सबको पता है दमदार चेहरा तो है फिलहाल बागपत में राजुद्दीन चेयरमैन है, और बाकी तो सब ये डमी कैंडिडेट है जो उठ रहे हैं। कुछ तो लोग पैसे लेके उठ रहे हैं, ये आपस में जो पैसे लेके उठ रहे हैं, अपनी जो है किसी तरीके से एक प्रत्याशी को हराना है मिलके, और जो है दूसरा सामने जो है फाइट में सबको पता है भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल है। बाकी तो दो लोगों की टक्कर है, बाकी सब कोई कुछ नहीं है। बाकी कोई जो है ना कुछ बता रहा है अपने आप को कि हम जीत रहे हैं, ये कुछ नहीं है, पब्लिक को जो है गुमराह करने वाली बात है, मगर जो है फाइट में सिर्फ भाजपा और जो राष्ट्रीय लोकदल है। अच्छा, शहर की सुविधाएँ कैसी है आपके? शहर की सुविधाएँ ठीक है, अभी मैं आया था, अभी मैं देख रहा था सफाई चल रही थी, अभी मैंने लोग बाग कह रहे हैं भाई जो विपक्ष में थोड़े बहुत तो चंद लोग तो खिलाफ रहते ही हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बागपत में काम नहीं हो रहा। अभी मैं देख रहा था अभी इस पांडव रोड पे हमारे यहाँ सफाई चल रही है, अभी भी दोपहर में तो 3 टाइम झाड़ू दिलती है यहाँ पे। पहले से ही या चुनाव के दौर अभी हो रहा है? नहीं, पहले से ही हो रही है सफाई, अच्छी हो रही है, जारी कूड़े की गाड़ी भी अभी भी सफाई के लिए पहले से ही हो रही है। ठीक है, चेयरमैन हमारे राजदीन का कार्यकाल अच्छा रहा, जब भी तो 3 योजना जीत चुके हैं और अब के भी जो है पब्लिक उन्हें ही सपोर्ट कर रही है, यानी सब समाज हिंदू मुस्लिम सब उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? चलो सोए भाई, सुविधाएँ कैसी है नगर में आपके? जैसे आप नौजवान भी है, कोई पुस्तकालय या लाइब्रेरी इस तरह की व्यवस्थाएं है नौजवानों के लिए? लाइब्रेरी है, प्राइवेट है सब? प्राइवेट है सारी लाइब्रेरी है यहाँ से, पुस्तकालय है, स्कूल है, कॉलेज है, सब है, प्राइवेट है। तो आप कोई ऐसा काम बताइए जो सभी जनता के लिए फायदेमंद हो, यहाँ होना चाहिए। फायदेमंद तो यही है कि मार्केट में टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। अभी भाई बता रहे हैं नगर पालिका की जमीन में जाते हुए उसको वीडियो लेके जाना, अब कैसा है वो, इस लायक कि कोई वहाँ खड़ा हो सके या नहीं, मुड़ते ही है इस पे फोटो रोड पे उसे देख के जाइएगा आप कैसा है। अजय जी, क्या माहौल है बागपत में अभी, क्या माहौल है आपके? बागपत का इस टाइम माहौल है जी लोकदल का, और भी कई लोग उम्मीदवार है जो, हाँ बसपा का भी है, कांग्रेस का भी है, लोकदल का भी है, बीजेपी का भी है। तो वो चेहरा आप कौन सा देख रहे हैं चेयरमैनी पद के लिए इस बार? यहाँ तो राजुद्दीन का चेहरा ठीक चल रहा है, काम किए हैं पिछले, हाँ उनका काम से चल रहा है, नाम से कुछ नहीं, उनके काम से वोट मिल रही, नाम से नहीं। क्या नाम भाई साहब? मेरा साजिद है। साजिद भाई क्या करते हैं आप, वैसे क्या करते हैं? दुकान है ये कपड़े की। अच्छा साजिद भाई, चुनाव है आपके यहाँ नगर पालिका, क्या लग रहा है इस बार? इस बार राजुद्दीन निकलता। जो नगर पालिका के काम होते हैं, सफाई का एक बड़ा मुद्दा होता जी, है जी जी, और वही कूड़े कचरे का एक बड़ा मुद्दा होता है, इस तरह की व्यवस्थाएं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल, जो कूड़े उड़े इधर उधर पड़े थे ना सारे खत्ते पे जा रहे हैं, इधर कोई कूड़े नहीं हमारी इधर बागपत में, कोई कूड़े नहीं है, टोटल खत्ते पे जाते हैं। तो कोई प्लांट वगैरह लगाया है? प्लांट लगा कस्बे में लगा है, कूड़े का प्लांट भी, तो शहर का सारा कूड़ा उधर जा रहा है जी। तो ये कब से है और ये प्लांट कितने सालों से है? ये प्लांट इसी योजना में लगा जी। अच्छा, इस बार ही लगा। क्या नाम आपका? बात हो जाएगी, बागपत से ही हो? बागपत से। अच्छा, क्या नाम है अच्छा आपका? मेरा यही चुनाव के बारे में बातचीत थोड़ी सी। चुनाव तो बढ़िया चल रहा। अच्छा, क्या लग रहा, किसको चेयरमैन बना रहे हैं आप इस बार? थोड़ा सा जो तरक्की करेगा उसे वोट मिलेगी। अच्छा, कोई उसमें चाहे तो जो जनता के लिए काम करेगा उसे वोट मिलेगी। तो पहले काम हुए, तरक्की करेगा, जो बाजार की समस्या है, दुकानदारों की समस्या है,
हर चीज़ की समस्या है उसे दूर करेगा, वो काम करेगा। तो आपके हिसाब से किस तरह की समस्या है अभी सर? तो देखो वक्त बताएगा उससे तुम कह। नहीं, शहर की अपनी कुछ समस्याएं होती है सफाई की, इस बात की गारंटी लेकर हम बाजार को सही रखेंगे, पूरे वार्ड उसको करेंगे, उस बात को हम आगे रखेंगे चाहे वो कोई सभी। ठीक ठीक। नाम नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। ठीक आसिम, हम सबके साथ है। नमस्कार, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम रोजुद्दीन। रोजुद्दीन भाई, आप तो खैर नाम ही चेयरमैन साहब का ले रहे, क्या स्थिति है चुनाव की आपके यहाँ? चुनाव के तो बस ऐसा है, बस मामला ऐसा ही है। और आपका तो डिसमिस सा ही। डिसमिस सा कैसा? बस समझ लो आपका तो अगर हार जीत होगी थोड़े बहुत वोटों से होगी, बाकी जो है आपका जो है किन में किस टक्कर फूल की जो है इसकी नलकी टक्कर ही नहीं गिरेगी, नहीं मैं दोनों में इन्हीं में ही हार जीत है, दोनों ही कोई से भी हो सकती है। लेकिन और जो आम आदमी भी है बस इनमें तो सिमट के रह जाएंगे, ये तो जो है ये तो सिमट के रह जाएंगे, ये तो अपनी जमानत भी बचा लो तो बहुत बड़ी बात है। तो काम किए कुछ पाँच सालों में जो पूरा? हाँ बहुत काम किए, पानी के जो है वे लगा रखे, प्याऊ लगा रखे, ठंडे खड़ंजे बदलवा दिए सारे, जहाँ खड़ंजे नहीं थे खड़ंजे लगवा दिए, बहुत काम करवा रखा, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा, एक कोई ऐसा काम बताइए जो आप आने वाले समय में चाहते हैं अपने शहर के लिए? बस आने वाले समय में यही चाहते हैं, नाली की जो ये है ये सफाई बहुत मेन चीज़ है कि जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ पे तो नालियाँ रुक जाती हैं, सारी की सारी जाम हो जाती हैं। तो हमारा ये है कि जो है ये पानी का जो है ये रिसाव होता रहे, पानी ना भरे। सफाई नहीं होती बीच बीच में? नहीं, सफाई होती है, महीने में दो महीने में कभी सफाई होगी, ये कोई सफाई नहीं होती। सफाई कम से कम हफ्ते में या आठ दिन में नाली होगी, एक बार सफाई होनी जरूरी है। कूड़ा कूड़ा जो इकट्ठा होता है उसका क्या होता है सर? हैं, कूड़ा वूडा कोई नहीं, बस ठीक है। सफाई भी जो है टाइम टाइम पर थोड़ी होती रहे ना, तो सफाई होती रहे, थोड़ा लेट हो गया तो फिर जो उसमें नाली में दिक्कत बन जाती है, और कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? अब्दुल एहसान। अब्दुल भाई, चुनाव है आपके यहाँ? जी जी। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है बागपत में? माहौल है जी, ना तो मैं कोई सी पार्टी से हूँ। अच्छा। ना मैं किसी की पार्टी का, वह पसंद है राजुद्दीन पिछले, राजुद्दीन को इसके काम अच्छा, तीन दफे चेयरमैन हो चुका, ना कोई पार्टी से, आम जनता हूँ मैं तो। चलिए, आप जनता है तो आम जनता के लिए क्या सुविधा है? आप सुविधा है जी, बिजली भी सही है, सुकून शांति, पानी का पानी सही, चौबीस घंटे पानी आता है, बिजली भी सही आती है नगर के अंदर, और खड़ंजे भी सही है गलियों के, बस जनता को यही काम चाहिए। हम बागपत के शौकत मार्केट में थे और हम लोगों ने यहाँ बाजार में लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं गठबंधन और भाजपा में इस बार चुनाव को लेकर टक्कर रहेगी, और लोगों का मानना है कि शहर में कई सारी सुविधाएं इस तरह की हुई है जिन पर पूर्व चेयरमैन के द्वारा काम हुआ है। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, बाद में दो मिनट लेगा ना।